उत्तराखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसके सब टूरिस्ट दीवाने होते हैं, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर देता है और हर किसी की बकेट लिस्ट में पहले नंबर पे होता है हिल क्वीन मसूरी, जिसके भारतीय सिनेमा जगत के बड़ी बड़ी हस्तियां कायल हैं। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर महात्मा गांधी से लेकर और इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपना यहाँ पर निवास बनाया, जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना यहाँ पर घर बनाया। ब्यूटी इतनी शानदार थी कि अंग्रेज ऑफिसर कैप्टन यंग जब यहाँ पे आए तो यहीं के होके रह गए। नींव पड़ी खूबसूरत हिल क्वीन मसूरी की। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। हिल क्वीन मसूरी में आज आपको एक ऐसी ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसका सभी लोगों को इंतजार रहता है यहाँ एक बार हमें स्टे मिल जाए। वो प्रॉपर्टी है गढ़वाल मंडल विकास निगम की होटल गढ़वाल टेरेस। तो चलिए चलते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गढ़वाल टेरेस में और दिखाते हैं आपको यहाँ के रूम कैसे हैं, यहाँ का व्यू कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है। चलिए चलते हैं गढ़वाल टेरेस मसूरी में। गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल मसूरी टेरेस में आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना है किसी भी स्टेट से, और देहरादून से आप आएंगे 35 किलोमीटर बाय रोड मसूरी। लाइब्रेरी चौक से एक रास्ता करता है जो सीधे माल रोड से होते हुए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपको मिल जाएगा गढ़वाल टेरेस मसूरी। कहते हैं कि मंजिल से असली मज़ा तो सफ़र का होता है, और वाकई में जो ये रास्ता हमने मसूरी आने के लिए चुना ये इस पर एकदम फिट बैठता है। मसूरी आने के लिए वैसे तो देहरादून से दो रास्ते हैं, एक तो वाया राजपुर रोड होते हुए आप मसूरी आ सकते हैं और दूसरा रास्ता है आप गड़ीकंड जाइए वहाँ से किमाड़ी होते हुए। इस रास्ते की जो खूबसूरती है वो बेपनाहा है। रास्ते में हर 1-2 किलोमीटर पे आपको ये श्वेत सफ़ेद झरने, हरियाली, माउंटेन्स का जो व्यू है वो इस रास्ते की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। रास्ता थोड़ा नैरो ज़रूर है लेकिन प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर रास्ता है, और वाकई में ये बात इस रास्ते पे बिल्कुल फिट बैठती है कि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा है वो सफ़र में होता है। पहाड़ों के हसीन रास्तों से होता हुआ आखिरकार मैं पहुंच गया हूं गढ़वाल टेरेस मसूरी के इस खूबसूरत होटल में। गढ़वाल टेरेस मसूरी से देहरादून घाटी का जो पूरा व्यू है वो बहुत ही पैनोरमिक व्यू यहाँ से दिखाई देता है, और वैसे भी जो ये होटल है ये माल रोड पे है जो सबसे पसंदीदा जगहों में से गिनी जाती है। अब यहाँ रोड पे ही बार रेस्टोरों का बोर्ड दिखाई देता है, तो सबसे पहले आइए आपको ले चलते हैं इनके रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट कैसा है चलिए देखते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के इस होटल के इस रेस्टोरेंट में जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही आपको एक पॉजिटिव फील होने लग जाती है। रेस्टोरेंट बहुत ही हाइजीनिक है वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, और व्यू है सामने पूरी जो देहरादून की जो वैली है उसके व्यू को आप इंजॉय करते हुए यहाँ पे अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। फूड के साथ साथ यहाँ पे बार भी है, बहुत सारे ब्रांडेड ड्रिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे अपना ड्रिंक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। GMBN का जो बेला माउंट रेस्टोरेंट है वो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको सारी वैरायटी के फूड मिल जाएंगे। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सारे फूड, वेज और नॉन वेज सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे पूरे व्यू के साथ में अपना फूड या ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बाद अब आपको ले चलते हैं कमरों की ओर कि रूम कैसे हैं। GMBN गढ़वाल टेरेस मसूरी का आपको दिखाते हैं सबसे प्रीमियम कैटेगरी का रूम जिसको सुपर डिलक्स रूम कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं सुपर डिलक्स रूम कैसा है।
रूम में इंटर करते ही सामने अलमीरा है और ठीक सामने पे एक बहुत बड़ी विंडो दी है जहाँ से आप पूरी घाटी का व्यू देख सकते हैं। देखिए इस समय पूरी घाटी में बादल लगे हुए हैं और दो लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट दिया है यहाँ पे। आराम से आप व्यू के साथ में अपना चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। बेड किंग साइज बेड है, उसकी साइड में एक हीटर दिया है, रूम हीटर है, क्योंकि मसूरी में 12 महीने ही ठंड होती है। लिनन एकदम साफ सुथरा है और कमरे का साइज काफ़ी बड़ा है। सामने लगेज के लिए एक अलमारी दी है और सामने एक बिग साइज़ का टीवी दिया है। हर रूम में इलेक्ट्रिक केटल रखी है जिसमें टी, कॉफ़ी, शुगर पाउच सब रखे हैं। आप चाहें तो बेड के व्यू के साथ में अपना टी कॉफ़ी भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सुपर डिलक्स रूम में यदि आप रुकते हैं तो इसका जो टैरिफ है वो वीकेंड पे 5,200 रुपीज़ है और अदर डेज पे 4,800 रुपीज़ है। इसकी बुकिंग आप GMBN की ऑफिशियल वेबसाइट है gmbnonline.com, आप उससे कर सकते हैं। रेट यदि अप डाउन होते हैं, अपडेट होते हैं, तो आपको वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। सुपर डीलक्स के बाद अब चलते हैं डीलक्स रूम की कैटेगरी में। रूम काफ़ी स्पेसियस है ये, और यहाँ पे इस रूम में बालकनी भी है अलग से बैठने के लिए, बालकनी कम एक्स्ट्रा बेड। रूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है, लिनन एकदम साफ सुथरा है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन, ये देखिए मैंने विदाउट लाइट इसको सूट किया है तो पूरी प्रॉपर सनलाइट अंदर आती है। रूम में इलेक्ट्रिक केटल है, टी, कॉफ़ी, शुगर पाउच वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं। और इसका जो रूम का टैरिफ है वो 2628 रुपये है आजकल, वीकेंड पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसकी जानकारी आप GMBN की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। इस रूम की जो पूरी फर्निशिंग है वो वुडन की है। मसूरी में क्या होता है कि हर बार ठंडा ही रहता है, तो वुडन जो फर्निशिंग वाले रूम रहते हैं उसमें ठंड थोड़ा सा कम होती है। अब दिखाते हैं आपको गढ़वाल टेरेस GMBN के इकोनॉमी रूम, यानी कि बजट फ्रेंडली रूम। एक बजट फ्रेंडली रूम है और रूम का स्पेसियस देख लीजिए आप, कितना स्पेस है रूम में। सामने विंडो है, बालकनी भी दी हुई है, दो लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्टडी टेबल है प्लस कम डाइनिंग टेबल भी हो सकती है, और यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, अलमीरा दी हुई है, यहाँ ड्रेसिंग टेबल है। यहाँ से एक प्लस पॉइंट इस रूम का यह है कि यहाँ से एक डोर्स है वो सीधे बाहर आपकी गाड़ी की पार्किंग तक जाता है, गाड़ी की पार्किंग भी है, और वहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं कुर्सी डाल के। सामने बढ़िया सा व्यू है पूरी देहरादून घाटी का, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ सीधे गाड़ी से आइए और उतर के सीधे रूम के अंदर आ जाइए। और इसका जो टैरिफ है वो मात्र 1500 रुपये है। 1500 में मसूरी की प्राइम लोकेशन पे ऐसे रूम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस रूम में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। गढ़वाल टेरेस मसूरी गढ़वाल मंडल विकास निगम के इस होटल का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसकी बुकिंग यदि आप चाहते हैं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है gmvnonline.com, उस पर जाके आप इसको बुक कर सकते हैं। फिलहाल हिमालय के सियावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।